हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ डी के सैनी और डी के कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू सेल थ्योरी के बारे में, मॉडर्न सेल थ्योरी वो किसने दी और उसके क्या क्या पॉइंट थे, और सेल टाइप के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल के बारे में, सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जो सेल थ्योरी है वो किसने दी सबसे पहले उसके बारे में। आज हम न्यू या मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं न्यू सेल थ्योरी के बारे में या मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी। तो हमने पहले वीडियो में बात की थी जो प्राचीन सेल थ्योरी थी, या सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी वो मैथियास लाइडन तथा थियोडोर स्वान ने दी थी। वो दी थी तुम्हारी 1838 और 39 में। तो उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया, जैसे कि रुडोल्फ विर्चोव आए। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि जो न्यू सेल्स होती हैं, नई सेल्स जो होती हैं, वो जो प्राचीन या पुरानी जो सेल्स हैं उन्हीं से विकसित हुई हैं, उन्हीं से जनरेट हुई हैं। तो रुडोल्फ विर्चोव और एक और साइंटिस्ट आए थे निगेली, तो उन्होंने दोनों ने मिल करके न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी दी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो न्यू या मॉडर्न सेल थ्योरी थी वो थी रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव निगेली, रुडोल्फ विर्चोव और निगेली ने न्यू सेल थ्योरी दी थी। ये लगभग 50 में दी थी, ठीक है। तो न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी थी वो किसने दी? रुडोल्फ विर्चोव तथा निगेली ने दी। इन्होंने कुछ संशोधन किए, प्राचीन जो सेल थ्योरी या पुरानी सेल थ्योरी थी या पुरानी कोशिका सिद्धांत था उसमें कुछ संशोधन किए और नया सेल थ्योरी या नया कोशिका सिद्धांत दिया। इसके कुछ पॉइंट हैं, इन्होंने बताया कि जो सभी जो जीव होते हैं उनकी जो संरचना है, उनका निर्माण है, वो सेल्स से डेवलप हुए, यानी कोशिकाओं से हुए और उनके उत्पादों से हुए। यानी कि जो सभी कोशिकाओं सभी जो जीव होते हैं उनका शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना है। सभी सजीवों का शरीर कोशिका बा उसके उत्पादों से बना है, उत्पादों से मिलकर बना है। तो न्यू सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट था वो ये था, सभी सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना है। यानी कि जो जो बॉडी होगी किसी भी जीव की, वो सेल से बनी होगी या फिर इसके उत्पाद जो प्रोडक्ट्स जो होंगे उनसे मिलकर बनी होगी। दूसरा था इसका पॉइंट, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। तो दूसरा पॉइंट था न्यू सेल थ्योरी का, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। यही बात मैथियास लाइडन तथा थियोडोर स्वान ने बताई थी, लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट जोड़े, जो जैसे रुडोल्फ विर्चोव है उन्होंने अब नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा कि जो नई सेल्स जो डेवलप होती है वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो अगला पॉइंट है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी सेल्स से हुई है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या था? नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो पुरानी सेल्स से ही हुई है, यानी कि जो नई सेल्स हुई है वो डेवलप किससे हुई है? पुरानी सेल्स से। और ये बात कही थी रुडोल्फ विर्चोव ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका जो होती है जीवन की कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, मतलब जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। तो कोशिका अगला पॉइंट है कोशिका चौथा
कोशिका जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है, यानी कि जीवन की सततता को बनाए रखने का कार्य भी कौन करती है? कोशिका करती है। तो ये न्यू सेल थ्योरी थी, नया कोशिका सिद्धांत था। सबसे पहले सजीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं या उसके उत्पादों से मिलकर बना है। सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? पुरानी कोशिकाओं से हुई है। कोशिका जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। तो ये न्यू सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था। न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी थी तो जो रुडोल्फ वर्चोव तथा निगेली ने प्रस्तुत की। ठीक है, अब बात करते हैं सेल टाइप के बारे में या कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो बात करते हैं कोशिका के टाइप के बारे में। तो बात करते हैं सेल टाइप के बारे में। ठीक है, कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका सामान्यतः दो टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हिंदी में बोलते हैं ससीम केंद्र की। ठीक है, इसको बोलते हैं असीम केंद्र की। ठीक है, तो पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक जो शब्द है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, प्रिमिटिव मतलब आद्य, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो ऐसी सेल्स जिसके अंदर कैसा केंद्रक पाया जाएगा? प्रिमिटिव या आद्य केंद्रक पाया जाएगा, प्राचीन केंद्रक पाया जाएगा या अनडेवलप्ड केंद्रक पाया जाएगा, वो विकसित केंद्रक नहीं होगा। वो सेल्स कौन सी होंगी? प्रोकैरियोटिक होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये एक सेल है और हमें पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है और एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होगी उसमें जो न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा? आद्य प्रकार का होगा, प्रिमिटिव प्रकार का होगा, मतलब डेवलप नहीं होगा। डेवलप नहीं होगा इसका मतलब उसके केंद्र के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्लियां हैं, वो नहीं पाई जाएंगी। अब केंद्रक झिल्लियां नहीं पाई जाएंगी इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, ठीक है, वो क्या होगा? विस्तृत अवस्था में पाया जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में विस्तृत हुई अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम होंगे वो डिफ्यूज फॉर्म में होंगे, इस तरह से पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होंगे। सीधी बात है, जब कोई सीमा नहीं होगी केंद्रक की, लिमिट नहीं होगी, तो आनुवंशिक पदार्थ भी अनलिमिटेड फैला हुआ होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं असीम केंद्र की, मतलब जिसकी सीमा ना हो केंद्रक की, मतलब जिस पर झिल्लियां नहीं हो, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस पर झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं, तो झिल्ली रहित केंद्रक उपस्थित। ठीक है, अब जो झिल्ली रहित ये जो केंद्रक होगा इसको नाम क्या देते हैं? तो इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। इसको एक और नाम देते हैं प्रोकैरियोन। इसका एक और नाम है जीनोफोर। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन या जीनोफोर। तो ये तुम्हारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। और जो गुणसूत्र होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर
हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। दूसरा मुख्य लक्षण होता है हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। अनुपस्थित हमें पता है जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। आगे जब क्रोमोसोम वाला चैप्टर आएगा उसमें उसकी डिटेल से पढ़ेंगे। तो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएंगी। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये क्षारीय प्रोटीन होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के टाइप होते हैं H1, H2B, H3, H4, H2A। ये कुछ टाइप है हिस्टोन प्रोटीन के, दो टाइप की प्रोटीन होती है हमारे क्रोमोसोम जिनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। आगे आगे बात करते हैं हम राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम का टाइप कौन सा होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, उनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य राइबोसोम करते हैं। तो ये 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। और सेल ऑर्गन्स जो हैं कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जीकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम तो हो ही गया तुम्हारा, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, ये सभी जो कोशिकांग है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं, पराक्सिसोम वगैरह, वो सभी किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये आद्य प्रकार की कोशिका, ये सबसे पहले जनरेट हुई थी। तो ये क्या है, जब शुरुआत में बनी थी तो ये इतनी विकसित थी नहीं, इसलिए इसमें सेल्स ऑर्गन्स भी नहीं थे। फिर जैसे जैसे डेवलप होती गई सेल्स, तो वो यूकैरियोटिक टाइप की होती गई और उसमें सभी सेल ऑर्गन्स थे वो डेवलप हो गए, और हमारा जो केंद्रक था वो भी डेवलप हो गया पूरी तरह से, ठीक है। और बात करूँ इसकी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो कोशिकाएं होंगी उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, तो वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो कोशिका भित्ति होगी वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, माइक्रो प्लाज्मा, ठीक है। तो ध्यान रखना, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, लेकिन सभी बाकी की जो सेल्स है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और जो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत कौन कौन सी सेल आती है। तो तुम्हारी बैक्टीरिया सेल आती है, मतलब जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका। दूसरा माइक्रोप्लाज्मा आता है तुम्हारा, माइक्रो प्लाज्मा, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल। तुम्हारा वायरस भी, वायरस भी किसके अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सेल सिद्धांत या सेल थ्योरी का अपवाद होता है वायरस, ये तो ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, ये दोनों के बीच की कड़ी होती है वायरस। तो इसको ध्यान रखना, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, वायरस। तो ये थी तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्रो प्लस कैरियन, प्रो का मतलब प्रिमिटिव या आद्य या प्राचीन होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि आद्य केंद्रक जिसमें प्रेजेंट हो, यानी कि झिल्ली रहित, न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो, वो सेल्स सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाएंगी। प्रोकैरियोटिक अंतर्गत के अंतर्गत और क्या होगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाए जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन मीन क्षारीय प्रोटीन, ठीक है। जो क्रोमोसोम होगा वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होगा, और इसका जो केंद्रक होगा, जो असंगठित केंद्रक होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियन या जीनोफोर। ये तो था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब यूकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक वेल सेल होती है, एक डेवलप सेल होती है। तो देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, यू जिसका अर्थ होता है वेल, प्लस कैरियन, कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस ही होता है, पहले बता चुका हूं। तो जिसमें वेल न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी कि सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा, डेवलप केंद्रक पाया जाएगा, जिसमें झिल्लियां भी प्रेजेंट हो, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक विकसित या डेवलप सेल है,
इसलिए इसमें सभी कोशिकांग जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी काय हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, सभी प्रेजेंट होते हैं, चाहे सेंट्रियोल हो, तारक काय हो, ठीक है, तो सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम की मैं बात करूं तो राइबोसोम का टाइप होता है 80S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। यूकेरियोटिक में 80S प्रकार का, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन के टाइप है कुछ पांच, H1, H2B, H3, H4, H2A, ये सभी प्रेजेंट होते हैं किसके अंतर्गत, यूकेरियोटिक सेल्स के अंतर्गत और सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। अब इसकी झिल्ली की बात करूं मैं, सॉरी, कोशिका भित्ति की, झिल्ली तो प्रेजेंट होगी दोनों में, ठीक है। अब कोशिका भित्ति की बात करूं मैं, अगर यूकेरियोटिक सेल्स की कोशिका भित्ति के बारे में बात करूं तो वो किसकी बनी होगी, सेल वॉल के बारे में, LWALL, ठीक है, सेल वॉल। तो पहले तो याद रखना, एनिमल सेल्स जो होंगी, यूकेरियोटिक के दो टाइप होंगे, एक एनिमल और एक प्लांट। तो प्लांट के अंतर्गत तो सेल वॉल पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी जो बनी होगी सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है, लगभग ग्लूकोज की 3000 इकाइयां जब जुड़ जाती हैं तो एक सेलुलोज का अणु बनता है। तो सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होगी वो पाई जाएगी यूकेरियोटिक की प्लांट सेल के अंदर, यानी कि प्लांट सेल पर सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन एनिमल सेल जो होंगी, यूकेरियोटिक की एनिमल सेल, उनके अंतर्गत ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ये मुख्य लक्षण होता है एनिमल सेल का और प्लांट सेल से अलग करती है इसको, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंतर्गत सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, जबकि जबकि प्लांट सेल के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाएगी या सेल वॉल पाई जाएगी जो सेलुलोज की बनी होगी, और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और आगे मैं बात करूं यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल की, तो दुनिया में अधिकतर जितनी भी सेल है वो यूकेरियोटिक टाइप की है। जितनी भी सेल, चाहे हम हो, जितने भी किंगडम्स हैं, एनिमल्स किंगडम, प्लांट किंगडम्स, अधिकतर वो यूकेरियोटिक टाइप के अंतर्गत आ जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस हमने बेसिक नॉलेज जो यहाँ जान ली, इसके अलावा एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे हम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, यानी कि सेल के टाइप के बारे में और न्यू सेल थ्योरी, ठीक है। तो एक बात याद रखना, यूकेरियोटिक सेल भी आगे डिवाइड हो जाती है एनिमल और प्लांट सेल के अंतर्गत, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो साइन है वो दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।